यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो टोहाना में भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है भारत बंद के चलते, और इसी बीच आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले पर कोहराम मचा हुआ है आखिर उसमें क्या बदलाव किया गया है। SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट जरा सा सख्त क्या हुआ कि कोहराम मच गया, देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और आज भारत बंद है। कई जगह ट्रेनें रोक दी गई, कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया। विपक्ष का साथ भी मिला है और सरकार भी साथ खड़ी है। अब आप सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या किया कि हमेशा आमने सामने रहने वाले सरकार और विपक्ष एक साथ आ गए। तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को महाराष्ट्र के एक मामले को लेकर SC ST एक्ट में नई गाइडलाइन जारी की। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के दुरुपयोग पर बंदिश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके पहले आरोपी की DSP स्तर का अधिकारी जांच करेगा, यदि आरोप सही पाए जाते हैं तभी आगे की कार्रवाई की जाएगी। देश भर में ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें इस अधिनियम के दुरुपयोग किया गया। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अधिनियम का दुरुपयोग करता है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए विभागीय अधिकारी की अनुमति जरूर होगी। यदि कोई अधिकारी इस गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसे विभागीय कार्रवाई के साथ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का भी सामना करना होगा। आम आदमियों के लिए गिरफ्तारी जिले के SSP की लिखित अनुमति के बाद ही होगी। देश की सभी निचली अदालतों के मजिस्ट्रेट को भी गाइडलाइन अपनाने को कहा गया। इसमें SC ST एक्ट के तहत आरोपी की अग्रिम जमानत पर मजिस्ट्रेट विचार करेंगे और अपने विवेक से जमानत मंजूर और नामंजूर करेंगे। अब इन गाइडलाइंस के खिलाफ दलित लामबंद हो गए हैं। दलितों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दलितों का उत्पीड़न बढ़ेगा, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में आ गए। अब सवाल ये उठता है, क्या देश की सर्वोच्च अदालत ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला लिया? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतनी राजनीति किया जाना ठीक है? क्योंकि जब देश की सभी राजनीतिक पार्टियां दलितों के पक्ष में हैं और सरकार भी रिव्यू पिटीशन डालने को तैयार है तो फिर इतना विरोध क्यों? क्या ये सिर्फ सियासत के लिए? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल हैं जो अभी उठे हैं। जवाब मिलेगा या फिर नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।